चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन योर नेम प्रसिड बिफोर माइन तो पढ़ चुके हैं हम इसको कि प्रसिड जो होता है इसके पहले कोई बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं आता क्योंकि प्रसिड का मतलब पहले होता है ट्रांसिटिव वर्ब में हमने इसको पढ़ा हुआ है शी परसिस्टेड टू डूइंग परसिस्ट अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन देता है दैट इज नॉट टू बट इन ठीक है परसिस्टेड इन कंटिन्यू रखना किसी काम में एज इट हैज बीन रेनिंग दो घंटे से बारिश हो रही थी सिंस का बिल्कुल पुराना कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा हुआ है जब फिक्स होता है तो टू आता है क्या हुआ भाई आज क्या को? आप लोगों को मिला नहीं गया इन्फॉर्मेशन कहाँ है सारे आज क्या रीजन रहा हमने पूरा फिक्स प्रपोज़िशन करने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट किया है

टू लाइफ या कंफर्ट ऑफ ऑफ सही टाइम पर आता ही नहीं है क्या ये आज हुआ है या और रोज हो रहा है बेटा ये बताओ मुझे एक्चुअली मेरा फोन अभी बाहर है अदरवाइज आई वुड हैव चेक्ड पूछूं टीम से क्या पता वो बता दे शी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी नोटिफिकेशन चेक करना गया है कि नहीं है इस क्लास का शी परफॉर्म टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी या टू द बेस्ट कोई भी काम करते हैं टू द बेस्ट होता है टू बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसे ही होता ना, आ, है ना कई लोग उसमें लिखते हैं अपने सीवी में कि जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो मेरी नॉलेज के अनुसार बिल्कुल परफेक्टली फाइन है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज तो यहां पर टू आता है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नेक्स्ट आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ एंग्री विद एंग्री एट होता है किसी व्यक्ति से एंग्री है तो आप विद लगाएंगे राइट एंग्री विद समबडी होना चाहिए नेक्स्ट इज सुनील रेफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे कॉल भी कर चुके हो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है पुश नोटिफिकेशन नहीं आता है क्या बेटा आपके पास क्योंकि पुश आ जाता है इंस्टेंटली मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ फोन में आ जाता है आज मेरे पास फोन यहाँ रह, बाहर रह गया इसलिए मेरे को श्योर नहीं है ये बताओ ये तो फिर प्रॉब्लम है ना पता कैसे चलेगा आपको ऐसा है सीरियसली सुनील ने मना कर दिया अटेंड करने से मीटिंग मीटिंग के साथ हम किसी से मिलते हैं तो मीटिंग विद होता है जैसे अभी बताया था टू द बेस्ट वैसे ही टू द अर्स्ट टू द बेस्ट टू द दर्लिएस्ट जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके सबसे जल्दी बहुत जल्दी शेल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क क्या हम वॉक करने चलेंगे वैसे ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन नहीं है पर आपको पता ही है फॉर अ वॉक होता है क्योंकि जब भी कोई वर्ब नाउन की तरह लिखा जाता है तो बिना आई एन जी फॉर्म के लिखा जाता है है ना नाउन वर्ब फर्स्ट में लिखा जाता है नाउन की तरह फॉर अ वॉक Among you and me, तुम्हारे और मेरे बीच में दो लोगों के बीच में के लिए हम हमेशा बिटवीन का यूज करते हैं तो यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल होगा द टीम very वेरी at एट द sports इवेंट आपका क्लास इसी कारण मिस हो जाता है आपने टीम से बताई है ये बात कितनी बार हो गया ऐसा ये बताओ। द टीम won वेरी easily. रिसेंट स्पोर्ट्स में तो इन आएगा ना एट तो हमेशा लोकेशन के लिए आता है इन द रिसेंट इन एक्टिविटी इवेंट्स ही कंसीडर्ड अ वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज अपोनेंट कंसीडर्ड इज अग्री है ना और कंसीड करना अग्री करना अग्री विद अग्री एट होता है वही कंसीडर्ड एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट अच्छा इज अपोनेंट यहां पर दिया हुआ है कंसीडर्ड विद होना चाहिए पॉइंट विद हिज अपोनेंट अग्री किया उसने बहुत क्रुशियल पॉइंट में अपने अपोनेट से दूडेंट अपोलोजाइज अपोलोजाइज का फिक्स होता है अपने साथ हमेशा टू लेता है आई टी वी होता है अपोलोजाइज होता है वो हंड्रेड परसेंट आई टी वी होता है और अपने साथ टू लेता है ये हम लोग कर चुके हैं क्लास में जितने भी फिक्सोजिशन मैंने बताया उसमें आई है हॉबी वंडरिंग अच्छा अबाउट हो गया वंडरिंग अबाउट एक सेकेंड एक सकंद, wonder अबाउट सरप्राइज करना होता है और surprise होता है ठीक है ठीक है ठीक है तो वंडर अबाउट आएगा सरप्राइज एट आएगा कहां पर विद क्यों विद लेता है ना कंसीटेड विद हिज ओपोनेंट है ना अपने ओपोनेंट के साथ किसी पॉइंट पे अग्री हो गया तो अग्री विद Somebody होता है वही विरोधी के साथ ओपोनेंट विरोधी लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी बियॉन्ड मनी मनी बियॉन्ड मतलब से परे होता है राइट right? लेडी को जरूरत थी पैसे और केयर की मनी के बियॉन्ड तो मनी के नीचे मनी के साइड में मनी के अलावा बिसाइड्स का होता है इन एडिशन टू ठीक है इसलिए अलावा आएगा जो होता है हमेशा अपने साथ object लेगा as a verb. तो order के साथ लेगा तो के अगर आपको दिख रहा है तो आपको अबाउट नहीं लगाना है और गिविंग ऑर्डर है यहाँ पे ऑर्डर तो फिर टू लेगा ना ऑर्डर टू लेगा इसलिए गलत ऑर्डरिंग माई सिस्टर इंस्पाइट ऑफ माई नीज ये क्या लिखा हुआ है देखो ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि एज, प्रेपोजिशन और कंजक्शन में कंफ्यूजन दिया जाता है इन इज यहां पर इज आ रहा है यानी कि वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के पहले आपको कंजक्शन लगाना था प्रेपोजिशन नहीं ये प्रेपोजिशन है ये प्रेपोजिशन है ऑल दो लगा ऑल दो माई नीजस डॉग ये कंजंक्शन का क्वेश्चन हालांकि मेरी नीस की जो डॉग है नीस का जो डॉग है कैसपर इज वेरी मिस्टीवियस ही इज लवेबल आई कांट मेक आउट माय माइंड ये हमने क्लास में करा है मेक आउट मेकअप मेक आउट फिगर आउट करना फिगर आउट करना मेक आउट करना ये नहीं समझना और मेकअप माइंड यानी डिसाइड करना ठीक तो आई कैन नॉट मेकआउट नहीं होगा है ना मेकअप माई माइंड होगा मेकआउट मैंने बताया अलग होता है कि नहीं होगा मेकअप माई माइंड मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं अबाउट टेकिंग अ वेकेशन इन विंटर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक आउट ये बहुत डिफिकल्ट है ये इट इज ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ऑन डॉक्टर क्या लिखता है ये make -out करना बहुत मुश्किल है या तो है या मेक ऑन अच्छा मेक ऑन तो गलत हो गया तो आउट अब देखिए गाइड एक सेकंड सुनिए सीजियल ट्वेंटी अप्रैल शिफ्ट थर्ड सीजियल ट्वेंट नाइनटीन अप्रैल शिफ्ट थर्ड समझ रहे एक जैसे क्वेश्चन आते इसलिए वो जो एनालिसिस पे बैन बार बार इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है लोगों को पता ना चले और क्वेश्चन रिपीट होते हैं मतलब क्वेश्चन तो इंग्लिश ग्रामर में तो पूरा सेंटेंस ही दिया जाता है तो सेंटेंस रिपीट ना करके टॉपिक को रिपीट करते हैं आई डोंट फैंसी फैंसी प्लस जेरेंट कंटिन्यूएस सॉरी कंटिन्यू प्लस जेरेंट हमेशा एंजॉय प्लस जेरन ये हम लोग करते हैं जेरन में करते हैं इन्फिनेटिव जेरन में करते हैं, gerund में करते हैं. Avoid plus gerund. इन सबके साथ हमेशा जेरन लगता है आई डों गोइंग आउट इन अबाउट टू मंथस विल बी लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया लीव कर रहे हैं लीव कर रहे हैं तो कहीं जाने के लिए तो लिविंग अपने साथ पौर लेता है I will leave at, या तो टाइम आएगा या फिर कहीं जाने के लिए वहां पर जाने के लिए एज नहीं लेता है माइग्रेटिंग लेबर सर्वड हॉट मील्स माइग्रेट करने वाले लेबरर्स को सर्व किया गया हॉट मील्स कहां पर इन एवरी टाउन और विलेज हर टाउन हर विलेज में उनको सर्व किया गया हॉट फूड एक सेकंड नेक्स्ट आई वुड लाइक यू टू लिसन केयरफुली आई वुड लाइक यू टू लिसन केयरफुली एडवर्ब का क्वेश्चन गलती से यहां आ गया नेक्स्ट द ऑफिसर मेड मी टू टाइप हमने वर्व में करा था पॉजिटिव वर्व में मेड आ रहा है फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सीधे सीधे वर्व आएगा टू टाइप नहीं लगेगा आई हैव द करेज मेरे पास करेज है टू से कहने के लिए वॉट इज राइट क्या सही है ये कहने के लिए मेरे पास करेज है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फिक्स लेता है अफ्रेड अपने साथ ऑफ लेता है ऋतु वॉज रियली अनॉयड ऋतु बहुत अनॉइड थी एज शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी क्योंकि वो मेरे लिए वेट कर रही थी वेटिंग फॉर होता है एट द मेट्रो स्टेशन मेट्रो स्टेशन पर कब सेक्ट दिया exactly मुझे वेट करने की जरूरत है हा कुछ नहीं लेता है कॉल्ड कुछ नहीं क्योंकि कॉल ट्रांसलेटिव होता है माई फादर कॉल्ड माई मदर ऐसे करके या दे कॉल्ड मी ऐसे करके और एक फोन करने के लिए कॉल आप ये मैंने अभी जो यूट्यूब पर से कॉल आप अलग होता है 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 ना कॉल अलग होता है, विजिट करना इस तरीके से वो फ्रेजल वर्ब में होता है में नहीं और मैंने फ्रेजल ये वाले सब करवा दिए बेटा इंपॉर्टेंट वाले टाइम निकाल के प्लीज देख लीजिएगा वॉट इज राइट क्या सही है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज मुझे परिणाम से डर नहीं लगता ये बोल रहा है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस

डूंग समिंग बताया मैंने क्लास में तो टू के साथ जेट फ्रॉम ज्वाइनिंग नेक्स्ट द फाउल स्मेल कमिंग द नियर बाय गाबेज पास ही में नियर बाय रखे मतलब पास में रखे गार्बेज बिन से जो गंदी सी स्मेल आ रही थी कहाँ से आ रही थी नियर बाय रखे हुए आसपास रखे हुए गार्बेज बिन से है ना कचरे का जो बिन रखा हुआ था उसमें से जो स्मेल आ रही थी तो गार्बेज बिन से आने वाली स्मेल फ्रॉम आएगा से के लिए द फाउल स्मेल कमिंग फ्रॉम एस आई वॉज सिटिंग इन द बैक ऑफ द थिएटर लोकेशन बता रहा ना बिल्कुल सही मैं कहाँ बैठी थी एकदम पीछे थिएटर में एकदम पीछे बैठी थी इट लोकेशन और लोकेशन बताने के लिए एट का यूज किया जाता है आई सिटिंग एट द द बैक ऑफ थिएटर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ऑफ द डेडली कोरोना हजारों लोगों की डेथ हो चुकी है डेडली फैटल कोरोना से डाइट ऑफ डिजीज होता है ओ एफ लगता है ठीक है सालों से इसी फ्लैट में रह रही है तो पीरियड ऑफ टाइम है फॉर लगाएंगे द फ्रॉम द सन गॉड आप किसी के लिए डेडिकेटेड हो सकते हो आई एम डेडिकेटेड टू माई वर्क है ना तो ही सॉरी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड डेडिकेटेड फिक्स प्रपोजिशन के रूप में टू लेता है फील करें अब ये वाला एस कंजक्शन नहीं, हाँ, नहीं है बेटा क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और उसके बाद आपको सॉरी वर्फ दिखाई दे रहा है तो ये है कंजक्शन यानी इसका सेंस क्या होगा बिकॉज क्योंकि अफरेट के साथ प्रेपोजिशन आता तो ऑफ आता है ना तो ड्यूरिंग द नाइट इसमेंटेंस में गलती क्या है ड्यूरिंग द नाइट याद है बताया था वाइल्ड के साथ क्या आता है एक्शन वाइल्ड प्लस एक्शन वो भी जेरन फॉर्म में वाइल्ड ट्रेवलिंग ऐसे आता है एक्शन फॉर्म में वाइल्ड राइटिंग एन ऐसे एक्शन इन जेरन फॉर्म ओके okay? और ड्यूरिंग के साथ पूरा ड्यूरेशन आता है नेक्स्ट कल्पना लिसन्स ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स Listen हमारा हंड्रेड परसेंट आई टी भी है और अपने साथ फिक्सिशन के रूप में टू लेता है टू नेक्स्ट इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू अगर इतनी लंबी लाइन नहीं होती आई कुड हैव रिटर्न बैक मैं वापस आ जाती ये रिटर्न बैक का क्वेश्चन गलत हो गया बैक सुपर फ्लूस होता है यहां पर नहीं आना चाहिए था रिटर्न बैक का क्वेश्चन गलती से आ गया विल यू लिसन मी क्या तुम मेरी बात सुनोगे अभी भी बताया था लिसन अपने साथ क्या लेता है फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में टू लेता है तो बस टू लगाएंगे आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर दाइप मैंने प्लम्बर को पे करा रिपेयर करने के लिए फॉर आ रहा है प्रेपोजिशन के साथ टू के अलावा सारे प्रेपोजिशन अपने साथ क्या स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब स्मिता को जॉब ऑफर किया गया था ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन हालांकि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी ऑल्डो कंजंक्शन होता है और यहाँ पर आपको जेरिन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर कंजंक्शन नहीं आएगा ऑल्दो का जो प्रपोजिशन होता है ऑल्दो वाले सेंस का वो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट होता है तो आप या तो यहाँ पर डिस्पाइट लगा सकते हो या फिर आप इंस्पाइट ऑफ लगा सकते हो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है बस ये ध्यान रखना है मैनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज बहुत सारे लोग इस गाँव से हैव माइग्रेटेड फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क यहां देख लो एक फ्रेज होता है इन सर्च ऑफ वर्क भूख की तलाश में इन सर्च ऑफ फूड इन सर्च ऑफ समथिंग ये फ्रेज होता है बेटा ठीक है तो आपको इन सर्च ऑफ समथिंग लिखना पड़ेगा माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ वर्क काम की तलाश में आई नो शी इज़ मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस ये हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ते हैं एडजेक्टिव में सुपीरियर अल्टीरियर जूनियर सीनियर प्रोफर है ना एक्सटीरियर इन सब के साथ जो ओवर वाले इनके साथ फिक्स प्रपोजिशन के रूप में क्या लगता है टू लगता है इनके साथ आपको दैन भी नहीं लगाना होता है हाँ देखो बेटा अभी अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे आया था जो मैंने कौन सा था अभी नंबर तो याद नहीं है ऑल्दो जो होता है ना वो कंजंक्शन होता है है होता है होता इनका सेंस यही होता है ऑल्दो का मतलब बावजूद ही होता है पर ये सेंटेंस में आता है ये कंजंक्शन में आता है ऑल्दो हालांकि सॉरी बावजूद नहीं हालाकी ऑल्दो आई वर्कड वेरी हार्ड हालांकि मैंने बहुत मेहनत करी राइट आई कैन आई कुड नॉट गेट अप्रोप्रिएट मार्क्स मुझे उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले ठीक है तो यहां पर औल्दो का मतलब हालांकि है ये अपने साथ पूरा सेंटेंस लेता है स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब स्मिता को जॉब ऑफर किया गया despite having no qualification despite का मतलब क्या है के बावजूद अब इसको देखो आप यहाँ पर आगे कोई सेंटेंस नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो आपको ऑल्दो नहीं लगाना है क्योंकि ये कंजंक्शन होता है अब आपको ये विरोधाभासा वाला प्रीपोजिशन लगाना विरोधाभास वाला प्रीपोजिशन कि ऐसा कोई क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद उसको जॉब ऑफर किया गया ठीक है ये बोलने के लिए अगर ऑल्दो से लिखना होता तो ऑल्दो स्मिता सॉरी स्मिता वॉज ऑफर द जॉब ऑल्दो शी है अगर सेंटेंस वर्व होता सब्जेक्ट वर्व होता तो हम ऑल्डो लगाते नहीं है इसलिए हम डिस्पाइट या इनपाइट ऑफ लगाएंगे आई वॉज थ्रिल्ड टू गोइंग आउट टू है फिल्म आई वॉज थ्रिल्ड टू गोइंग आउट टू के साथ गोइंग लिख दिया सिंपल से यार है टू के साथ गो आई वॉज थ्रिल्ड टू गो आउट स्टूडेंट्स हैर एक घंटे से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं योगा कर रहे हैं तो एक घंटा पीरियड ऑफ टाइम है इसके लिए क्या लगेगा सिंस सॉरी फॉर लगेगा फॉर एन आर ठीक है नेक्स्ट रोहित सैट दैट ही वुड सेव मी फ्रॉम बीन स्कोल्ड बीन स्कोल्ड फ्रॉम ए के अलावा जितने भी प्रस होते हैं वो सब अपने साथ जेरंड लेते हैं आपकी ध्यान रखो है 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 ना being. और के के बाद बाद नहीं नहीं आता है। के बाद नहीं आता है। ये पता ही आपको तो being scolded by father. दोनों पार्ट में गलती नेक्स्ट द पुलिसमैन वांटेड चाहती थी पुलिस ना वांट करना वॉन्ट है डिजायर है विश है इन सबके साथ टू प्लस फर्स्ट आता है आई वॉन्ट टू डिसाइड या आई वॉन्ट टू मीट तो द पुलिसमैन पुलिसमैन चाहता था क्या चाहता था टू पनिश तो पनिश अभी किया नहीं है इसलिए टू लगता है गोपीज फादर गोपी के फादर ने उसको कहा नॉट स्टे आउट लेट अभी देखो आस्क समबडी टू डू समथिंग ये हमने पढ़ा था क्लास में आस्क समबडी टू डू समथिंग तो फादर आस्क्ड हिम ऑब्जेक्ट हो गया अब नॉट है तो नॉट बीच में लगा टू जैसे डायरेक्ट इन डायरेक्ट में करते थे नॉट बीच में लगाते नॉट टू स्टे आउट लेट नॉट टू स्टे आउट लेट ठीक है नॉट टू स्टे आउट यहां पर इसका चार्ज द लिटिल बेबी क्राइड लाउडली टू अ अट बच्चा जो था छोटा बच्चा रो रहा था बहुत तेज तेज किस लिए नए टॉय के लिए पर्पज रहे सिंपल फॉर लगेगा फॉर अ न्यू टॉय एक नए टॉय के लिए my sister prefers tea अभी आया था prefer अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है व्हिच इज नॉट देन ये रहता है टू prefers tea to coffee despite of despite के साथ ऑफ नहीं आता in spite के साथ ऑफ आता है despite के साथ ऑफ देकर प्रॉब्लम दिया जाता है और despite प्रीपोजिशन है इसलिए जेरंड आ रहा है ठीक है we forgets हम भूल गए क्या चीज विश करना सुज़ैन को इन हर बर्थडे डे के साथ हमेशा फिक्स है डे है बर्थडे है दिवाली है तो हम लोग क्या लगाते हैं ऑन लगाते हैं ऑन हर बर्थडे बर्थडे उसके पर ओइंग के कारण ड्यू टू के कारण विद भी शुरुआत में आता है के कारण है ना ड्यू टू के कारण बिकॉज ऑफ के कारण वो है ओइंग टू इलनेस उसकी बीमारी के कारण वाई डू दे कीप टॉकिंग ऑन अबाउट मनी क्यों वो हर समय मनी के बारे में बात करते रहते अभी भी पढ़ा था टॉक टू संबडी होता है टॉक विद संबडी होता है ठीक है एंड सॉरी टू और विदी होता है और टॉक अबाउट समथिंग होता है ना ठीक है वाई डू दे कीप टॉकिंग अबाउट आ जाएगा अभी अभी पढ़ के अभी हम शुरुआत में पढ़ लिया था इसको

कई कई बार since four लगता है। कई बार लगता लगता है, है, बस ड्यूरेशन है तो फॉर लगाओ है ना, एक्सटेंड कर दिया उन्होंने Extend something for one more week. ये duration है, ये इसलिए फॉर लग रहा है एट नहीं लगेगा राजीव हैज एक्सटेंडेड हर हिज लीव फॉर वन मोर वीक एक और सप्ताह के लिए सिंस फॉर है ना ड्यूरेशन आ रहा है ना बेटा इसलिए फॉर लगेगा लॉन्ड्री लॉन्ड्री करने के बिसाइड मैंने साइड में होता है बाजू में पास में है ना ये बिसाइड्स वाला क्वेश्चन है बिसाइड्स डूइंग लॉन्ड्री यानी के अलावा लॉन्ड्री करने के अलावा राकेश हेल्प हर इन कुकिंग ऑल्सो राकेश ने कुकिंग में भी उसकी मदद की हियर इनटू द मेन कैंपस ऑफ द हॉस्पिटल कम्स द ट्रेन डॉक्टर लेड बाय हियर इंटू ये क्या बोल रहा है यहाँ पर इन द मेन कैंपस इनटू तो घुसने के लिए आता है ना इन द मेन कैंपस यहाँ पर मेन कैंपस में हॉस्पिटल के मेन कैंपस में ठीक है ये भी गलत है ये सेंटेंस सही नहीं है छोड़ दोस्को है बॉल फॉर मॉर्निंग

अलग अलग होते हैं लोग डिफर करते हैं बहुत बड़े greatly, मतलब बहुत largely, on the way, on the way यानी रास्ते में होता है और इन यानी तरीका होता है नोट कर लेना वैसे हम लोगों ने क्लास में इसको करा होगा आई एम ऑन द वे तो मैं रास्ते में हूं है ना और अगर मैं इन द वे हूं तो तरीका किसी भी काम को करने का इन द वे शी लाफ्स तरीका देखो ऑन इन द वे द अपीयर जिस तरीके से वो अपीयर होते इन द वे आएगा या ऑन द वे तो रास्ते में गया आई ऑन द वे वाला है ये ठीक है नेक्स्ट वन शी अराइव्ड एट मंडे मॉर्निंग एट आना डे के लिए तो एट नहीं आएगा क्योंकि मंडे है इसलिए यहाँ पर फिक्स है ऑन ही आएगा डे के लिए आई प्रिविल्ड अप टू हिम टू जॉइन आवर टीम ठीक है प्रिविल्ड अप टू हिम टू जॉइन आवर टीम देखो

ठीक है तो छाया में इन द शेड ठीक है छाया हो गई किसकी छाया पेड़ की ऑफ लगेगा ऑफ द ट्री या किसी पर्टिकुलर या ट्री हो सकता है दोनों हो सकता है तो आई सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग इन द शेड ऑफ अ ट्री नेक्स्ट मोहन टोल्ड टू टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगता है प्रॉब्लम दिया जाता है टोल्ड के साथ टू लगाकर नेक्स्ट we will look at your pet when you go on a vacation we will look at look at मतलब किसी की तरफ देखना हो गया है ना हम आपके पेट की तरफ देख लेंगे when you go on a vacation जब आप वेकेशन पे जाते हो है ना गलत हो गया हम आपके पेट का ध्यान रख लेंगे बोलना चाहिए था पर हमने गलत प्रीपोजिशन लगा दिया we will look after your pet when you go on a vacation नेक्स्ट शिल्पी हैज अ कीन इंटरेस्ट इंटरेस्ट है इंटरेस्ट अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन देता है जो कि ऑफ नहीं होता है शिल्पी का कीन इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है, किसमें लर्निंग सीखने में आई एम श्योर मैं बिल्कुल sure वासु दिस बुक सिंस टू डेज दो दिन से लर, पढ़ रहे हैं बुक को तो ये पीरियड ऑफ टाइम है फॉर आएगा डिड द पुलिस फाइंड आउट हु ब्रेक इन टू योर स्टोर आपके डिड दुलिस फाइंड आउट हु ब्रोक इंटू आएगा ये तो गलत हो गया है ना वा क्वेश्चन हो गया क्यों क्योंकि मेरे मदर जो है वो मुझसे एंग्री थी एंग्री विथ सडिक होता है नेक्स्ट टेगोर वॉज अ पोएट एज वेल अट्री पोएट भी थे पेट्रियोट भी थे ये बोलने के लिए एज वेल एज लगेगा

और अगर हम बात करें कि भाई ये एज वेल एज होता क्या है एक सेकेंड ये रुक गया होगा शायद एज एक्सपेक्टेड एनी कोई बात नहीं समझना अगर हम ये सोचें कि एज वेल एज होता क्या है तो इसका मतलब होता है के साथ साथ, ठीक है As well as होने के साथ साथ एक पोएट भी थे ये भी के साथ साथ भी ठीक है थोड़ा गैप के बाद क्योंकि ये कनेक्ट करता है ओके okay? तो एज वेल एज हो जाएगा नेक्स्ट लाफिंग फॉर अबाउट टेन मिनट दस मिनट के लिए हंसना कंटिन्यूस फॉर की आया है

जैसे वो क्वेश्चन अभी हमने करा था कौन सा वो इन्वेस्टिंग मनी इन रियल रियल एस्टेट कुछ ऐसा आया था तो इन्वेस्ट करना किसी चीज में इन समर्स वी मस्ट टेक केयर ऑफ टेक केयर ऑफ होगा टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ के साथ आईएनजी तो लगेगा टू के साथ आता है वह फर्स्ट ऑफ आ गया तो ड्रिंकिंग एमा अग्रीड अग्री हो गई किस लिए थिंकिंग ऑफ अग्रीड जूनियर सुपीरियर तो senior, senior, इन सबके साथ क्या आता है, है? हाँ जी प्रणाम वंस बीरवल वॉज फॉरवर्डन फॉर फॉरवर्ड करना किसी को रोक देना है ना तो फॉरवर्ड करना प्रोविट करना रेफरेंट करना, करना स्टॉप करना डिटर करना रोकने के लिए फिक्सोजिशन होता है फ्रॉम तो यहां पर फॉर टू कुछ भी दे दो गलत ही होगा बस ये ध्यान रखना इसके बाद हमेशा जरिये आना चाहिए द स्ट्रोंग विंड ब्लो ऑफ ऑल द कैंडल्स बुझाने के लिए ब्लो ऑफ नहीं होता है ब्लो आउट होता है एक्सटिंग करना ठीक है बुझाने के लिए ब्लो ऑफ आउट हमेशा और ब्लो अकेला कभी भी नहीं आता है ब्लो मतलब ब्लो करना कैंडल बुझाने के लिए गलत हो जाता है नेक्स्ट आई हैं। डे आ रहा है ऑन होगा अगर होता ना सिर्फ़ सिर्फडे तो ये होता है कि वेंसडे से मेरी क्लास है तो हम फ्रॉम लगाते हैं right? राइट पर ये ऑन वेंसडेज है इसका मतलब हर वेंसडे को मेरी साइंस क्लासेस ऑनलाइन होती है फोन मैंने अपने फ्रेंड को रैंग किया रिंग किया कॉल करने के लिए बट शी तो की जगह क्योंकि पास टेंस हो गया तो डिंट होगा ये पिक अप, उठाने के लिए पिकअप होता है पिक आउट यानी चुनना पिक आउट वन चुन लो एक है ना तो पिकअप करना उठाना होता है सामान गिर गया उठा लो है ना ये हो सकता है पिकअप कुछ अंडरस्टैंड करना है तो भी आप पिकअप कर सकते हो। वो पिकअप करता है बहुत जल्दी वो तुरंत उठाता है टॉपिक को राइट। right? और किसी को कहीं से उठाना है पिकअप कर लो वो बोला द साउंड ऑफ थंडर वॉज फॉलोड फॉलोड हमेशा अपने साथ फिक्सोजिशन लेता जो कि टू नहीं होता है टूवर्ड्स to तो किसी तरफ 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 होता है किसी की तरफ जाना, की तरफ जाना डायरेक्शन किसी के प्रति के लिए भी आता है पर दो घंटे के लिए क्लासेस रेस्ट्रिक्ट कर दी है बच्चों के लिए तो फॉर आएगा ना आर स्कूल हैज बीन इशूड स्कूल को इशू कर दिया गया इंस्ट्रक्शन टू रेस्ट्रिक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू रेस्ट्रिक्ट करना है ऑनलाइन क्लासेस को रेस्ट्रिक्ट करना है नॉट बी प्लस यूज टू एड्जेक्टिव में भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसको और हमने इसको मॉडल्स में भी पढ़ा हुआ है हमने इसको वर्व में पढ़ा हुआ है सबसे ज्यादा वी प्लस नॉट यूज टू प्लस जेर है ना पड़ा हुआ है इसको आई एम नॉट टू टू के साथ कब आई एन जी लगाते हैं नॉट यूज टू आई एम नॉट टू ईटिंग नेक्स्ट मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर कमिंग बहुत सारे इंडस्ट्रियल आ रहे हैं तो कम फॉरवर्ड आगे आना होता है कमिंग या तो कमिंग टू ही वॉज कमिंग टू मी वो मेरी तरफ आ रहा था ये अलग सेंस देगा ठीक है देखो टू हेल्प मदद करने के लिए तो कमिंग फॉरवर्ड आगे आना होता है देख लो एक बार या नोट करना चाहो नोट कर लो क्लास में हमने करा हुआ है कमिंग फॉरवर्ड या कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड आगे आना प्लीज कम फॉरवर्ड आ गया हो ऐसे बोलने के लिए कम कमिंग टूवर्ड्स संबड़ी किसी की तरफ आना ठीक है तो मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट आर कमिंग ऑनवर्ड ऑनवर्ड का मतलब क्या होता है मंडे ऑनवर्ड्स ट्यूजडे ऑनवर्ड्स वो करा जाता है तो मंडे से ट्यूजडे से वो नहीं होगा फॉरवर्ड आगे आना नेक्स्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड बिटवीन द स्टेडियम टू अटेंड द रैली रैली को अटेंड करने के लिए स्टेडियम में आ गए ठीक है इस गैदर ओवर ऊपर होता है ऊपर ऊपर है ना मंडराना या फिर गैदर ओवर ऊपर हो जाना पूरी जगह पे हो जाना ऑन टू क्या होता है मोशन के लिए आता है तो गैदर्ड 8 लोकेशन है इसलिए गादर एट द स्टेडियम एट फर्स्ट वी क्रूज़्ड इन द लोकल रिवर शुरुआत में हमने क्रूज़ किया लोकल रिवर में बिसाइड ट्राइंग एनीथिंग मोर एडवेंचरस कुछ भी मोर एडवेंचरस ट्राई करने के पहले होना चाहिए ना एडवेंचरस ट्राई करने के पहले ऑलरेडी पहले से ही अर्लियर यानी पहले हमने ऐसा कुछ किया था अर्लियर पहले वो आ, आता है कि अर्लियर कहाँ के है अर्लियर ईयर लग के ना अर्ली अर्लियर अर्लियस्ट वो वाला होता है बिफोर द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड दैट ऑल दीगल स्ट्रक्चर्स अराउंड हेरिटेज बिल्डिंग्स हेरिटेज बिल्डिंग्स के अराउंड चारों तरफ जितने भी इीगल स्ट्रक्चर्स हैं वो ब्रॉट डाउन नीचे गिरा दिए जाएंगे नॉकडाउन कर दिया जाएगा सही है अराउंड ही रहेगा कोई सब्सटीट्यूशन नहीं चाहिए यहाँ पे Her later short stories, later मतलब बाद वाली शॉर्ट स्टोरीज थी सुपीरियर जूनियर अल्टीरियर एक्सटीरियर इंटीरियर preferred इन सबके साथ टू आता है फ्रॉम ऑल हर बर्थडे प्रेजेंट्स Vanya liked द अल्फाबेटिकल मैट मोस्ट सबसे ज्यादा जो उसको पसंद आया वो क्या था उसके सारे बर्थडे प्रेजेंट्स में से फ्रॉम बहुत सारे हैं एक्सेप्ट का मतलब के अलावा बिटवीन दो के लिए अमंगस्ट क्योंकि ऑल आ रहा है ए के लिए अमंग सारे उसमें से यू शुड लिव थ्रू आउट योर मीन्स आपको लिव थ्रू करना चाहिए अपने मीन्स जितनी आपकी सोर्स है उतना ही विद इन विद इन लिव विद इन उसके अंदर अंदर ही आपको पैर फसारने चाहिए लिव विद इन योर मीन्स मीन्स यानी क्या होता है बेटा आय होता है और मीन्स यानी सोर्सेज भी होता है कि अपने सोर्सेज के अपर, अंदर अंदर ही जियो जितनी आपकी इनकम है उतने वर्कर्स हैज कॉल्ड strike. कॉल्ड अप तो फोन करना होता है स्ट्राइक को फोन तो करेंगे नहीं कैंसिल करने के लिए कॉल ऑफ होता है ठीक है कॉल ऑफ यहाँ पे फोन करने वाला वर्कर्स हैज नहीं लगेगा इसलिए गलत कॉल्ड ऑफ नेक्स्ट वन द गेम ऑफ क्रिकेट इज गवर्न बाय स्ट्रिक्ट लॉज लाइक अदर देखो लाइक like का मतलब होता है के जैसे और अनलाइक का मतलब होता है के जैसे नहीं लग गया तो नहीं हुए, जैसे नहीं गेम ऑफ क्रिकेट इज लॉस क्रिकेट का गेम स्ट्रिक्ट लॉस के द्वारा गवर्न किया जाता है कंट्रोल किया जाता है like दूसरे स्पोर्ट्स की तरह है ना लाइक लिखा हुआ वेयर देर आर मेयरली रूल जहां पर मेयरली मेयरली यानी क्या हो गया ओनली ना के बराबर ही हो गया यहाँ पर ठीक है तो अब ये क्या बोल रहा है कि दूसरे स्पोर्ट्स की तरह जहां पर मेरली रूल्स होते हैं जहां पर ना के बराबर रूल्स होते हैं यहाँ क्या बोल रहा है क्रिकेट का गेम जो होता है वो रूल्स स्ट्रिक्ट रूल्स के द्वारा गवर्न किया जाता है तो दूसरों गेम्स के जैसे नहीं अनलाइक आएगा अनलाइक अदर स्पोर्ट्स दूसरे गेम्स के जैसे नहीं ये बोला है। ये कंजंक्शन करन, का क्वेश्चन है ढंग से नहीं हुआ है स्पोर्ट्स कमिटी वॉज आक्स्ट स्पोर्ट्स कमिटी को कहा गया टू गिव एन एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए फॉर ड्रॉपिंग द बॉय बॉय को ड्रॉप करने से ड्रॉप इन ड्रॉप इन करना क्या होता है विजिट करना टू पे आ विजिट ठीक है फ्रॉम इन अवे अब क्या होगा फ्रॉम द स्कूल टीम स्कूल टीम से ड्रॉप कर दिया है ना तो फ्रॉम आएगा स्कूल टीम से निकाल दिया उसके लिए उनको पूछा गया नेक्स्ट नाइनटी नाइन दे वो मैनी ऑप्शन टू चूज बहुत सारे ऑप्शन थे चूज करने के लिए एंड आई डिसाइडेड टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिसी और मैंने डिसाइड किया इंटरनेशनल पॉलिसी पढ़ने का चूज फ्रॉम बहुत सारे ऑप्शन थे चूज करने के लिए किसी में से तो चूज फ्रॉम ऑप्शन में से चुनना था अनंत वेंट टू द पार्क एवरी इवनिंग अनंत जाता है पार्क में हर इवनिंग टू एक्सरसाइज एट हज फ्रेंड्स एक्सरसाइज एट हैज फ्रेंड्स

ठीक है जूलियट इज टेलिंग बेन टू से आपका आई टीवी होता है ये टीवी होता है ये टीवी होता है ये टीवी तो यहां पर क्या आएगा ये आएगा नेक्स्ट में टू नहीं होता है. अरे पैसिव था वो बताना नहीं भूल गई क्या मैं कहा था वो क्वेश्चन नंबर क्या था वॉज है देखो

ठीक है सॉरी प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशन के लिए नाउन होता है और इन स्पाइट ऑफ पूरा होता है अब ऑल दो क्या है कंजंक्शन यहां पर इसकी कोई जगह नहीं Despite के साथ while, ये ऑफ नहीं आता वाइल अपने साथ क्या लेता है एक्शन लेता है तो ये भी नहीं आएगा इसलिए राइट आंसर नो सब्स्टिट्यूशन आई मस्ट रिप्लाई तो ये गलत हो गया आई मस्ट मॉडल है रिप्लाई वर्ब फर्स्ट लेगा रिप्लाई फॉर टू तो रिप्लाई के साथ फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में टू आता है मीरास ट्रेन वॉज लेट मीरा की जो ट्रेन थी वो लेट थी एंड इट रीच वाराणसी वाराणसी में रुकी या तो इन द मिडिल ऑफ नाइट ऑफ द नाइट इन द मिडिल ऑफ द नाइट या फिर एट मिड नाइट ये होता है या ये होता है ठीक है नेक्स्ट द थ्री फ्रेंड्स स्पेंड ओवर एंड आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम डिस्कसिंग अबाउट डिस्कसिंग ऑन डिस्कशन ऑन पता है डिस्कस के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता है ठीक है नेक्स्ट द फार्मर वॉज डिप्राइव्ड डिप्राइव्ड

ज बिन अटैक्ड है येज बिन अटैक्ड पैसिव है अटैक्ड है तो अब आगे क्या आएगा कोई ना कोई प्रिपोजिशन लगेगा एक्टिव में नहीं लगता है कि पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया है ना ऑन नहीं लगता पर ये पैसिव है मिस्टर मोहन राव है कंजरवेटिव आइडियाज के लिए उनको अटैक किया गया तो फॉर हिज कंजरवेटिव आइडियाज अटैकिंग नहीं होगा क्योंकि पैसिव है ऑलरेडी इधर the bear और the lion have नहीं आएगा क्योंकि दोनों में से एक की बात हो रही है तो सेकंड वाले को प्रेफर करेंगे लायन सिंगुलर लेगा तो हैव की जगह हैज हाँ आएगा हैज के साथ वर्ब 3 आता है escaped होगा कहां से जू से फ्रॉम आएगा वी मस्ट प्रे हमें प्रे करना चाहिए मस्ट प्रे होना चाहिए तो मॉडल के साथ वर्ब फर्स्ट का गलती तो दे ही दिया है है ना वी प्रेइंग प्रे टू ईश्वर से प्रे प्रे अपने साथ हमेशा टू लेता है प्रे टू दलमाइटी अलमाइटी कौन होता है गॉड को ही बोला जाता है दे हैव बीन लिविंग हियर ड्यूरिंग तो ड्यूरिंग तो गलत हो गया यहाँ पर टेन है पीरियड है फॉर आएगा चिल्ड्रन प्लेड चेयरफुली इन द पार्क ऑल डे बच्चों ने खेला चेयरफुली मजे से कहा पर पार्क में

और अकाउंटेड फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है ठीक है नेक्स्ट ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया वन के साथ हमेशा प्रेपोजिशन जो होता फिक्स होता है है फिक्स वाले केस इफ वी आर नॉट क्लियर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड वी शुड लुक इन टू इन्वेस्टिगेट होता है लुक इन टू तो हमें डिक्शनरी में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए लुक टू लुक ऑफ कुछ नहीं होता है ना लुक अप लुक ऑन तो लुक अप वर्ड को ढूंढने के लिए लुक अप डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है ये गलती डिस्पाइट हमारा प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन के साथ वर्ब फर्स्ट नहीं आता है सबको देखते हुए ये राइट आंसर द न्यू प्रेजिडेंट हैज ब्रिंग इन मैनी रिफॉर्म्स ठीक है बहुत सारे चेंजेस लाए तो ब्रिंग नहीं आएगा हैज के साथ ब्रॉड करेंगे इसको कट करेंगे ब्रॉट अबाउट है ना मैनी चेंजेस ब्रॉट अबाउट होगा मनी ने क्या लिखा हुआ है अपार्ट है अपार्ट के साथ क्या आता है शी वॉज टॉर्न अपार्ट टॉन अपार्ट हो जाना टॉन अपार्ट यानी टीयर अपार्ट टीयर अपार्ट का मतलब क्या होगा मतलब टूट जाना है ना टूट जाना टीयर अपार्ट बाय टन अपॉट बाय कॉन्फ्लिक्ट इमोशंस बाय लेता टीयर अपाउट बाई मतलब पूरी तरीके से टूट जाना टर्न अपाट है ना वो टूट गई बाय द कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस द एनवायरमेंट इज ऑन थ्रेट आप अंडर 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 उससे कैमरे की निगरानी में होता है अंडर सर्विलेंस होता है अंडर थ्रेट होता है ठीक है अंडर थ्रेट है ऑन थ्रेट है या इन थ्रेट है एनवायरमेंट खतरे में है इन रिस्क है अंडर रिस्क है क्या होगा बताओ क्या होगा बताओ थ्रेट है इन थ्रेट है है खतरे में या खतरे के अंदर है ट्राई करना, करना छोड़ देना और ट्राई और गिव अप करना आप कोशिश हैं कुछ पाने की और आपने छोड़ दिया गिव अप करना होता है और गिव इन करना आत्मसमर्पण कर देना ठीक है किसी के सामने घुटने टेक देना गिव इन करना और गिव अप करना ट्राई करना छोड़ देना ठीक है तो यहां गिव गिवअप होगा गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट प्रीमे हाँ टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम उसको लेना पड़ा एक ब्रेक कहां से उसकी ट्रेनिंग से सही टेक अ ब्रेक फ्रॉम हैड हाँ टू है फर्स्ट ही आएगा टेक ब्रेक टेक अ ब्रेक होना चाहिए ऑन नहीं आएगा ठीक है सारे गलत नेक्स्ट द स्ट्रॉन्ग विंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड मी ऑफ द फिट सॉरी ऑफ द फीट अब द फीट ओवर माई फीट अगेंस्ट माई फीट अगेंस्ट ओवर अबव लिफ्ट कर दिया मुझे है ना ऊपर उठा दिया अब माई फीट मेरे पैरों से ऊपर ओवर माई फीट ठीक है बताए ना अभी गिव अप करना ट्राई करना छोड़ देना होता है तो ट्राई हार्डर और और ज्यादा ट्राई करो डोंट गिव अप इजीली तो इजीली छोड़ो मत ट्राई करना छोड़ देना गिव अप होता तो ट्राई करना छोड़ो मत ये कहने के लिए गिव अप अरे रह गया आई फाउंड अ जॉब मेरे को अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है बट आई एम गोइंग टू कीप ट्राइंग कीप ऑन द ट्राइंग कीप टू ट्राइंग कीप अप देखो कीप ऑन होता है कीप ऑन गो ऑन ये कीप ऑन डूइंग समथिंग एक तो ये होता है और एक होता है कीप डूइंग दोनों सही है या तो आप ऑन के साथ जेरन लगाओ या फिर सीधे जैरन लगा दो तो। ये अप टू ऑन द ये द के कारण गलत हुआ है ठीक है कीप ऑन ट्राइंग भी सही होता बट कीप ट्राइंग भी सही है ठीक है इससे नो सब ये भी सही है और ये भी सही है द सिचुएशन इन द सिटी इज नाउ फुली अंडर कंट्रोल अंडर कंट्रोल होता है

नोट कर लीजिएगा इसको फॉर द सेकेंड टाइम दूसरी बार ठीक है फॉर द सेकेंड टाइम दूसरी बार तो यहां पर फॉर आएगा नेक्स्ट शी शिवॉग्ड अमंग मी वो मे वो मेरे अंदर तो मतलब अमंग तो बीच में होता है तो शी वॉक पास्ट मी विदाउट ग्रीटिंग ये तो होता है वॉक टूवर्ड्स मी तो मेरी तरफ आ रही थी वॉक पास्ट करना यानी किसी के सामने से गुजर जाना है ना जैसे मैं सामने खड़ी हूँ मैं सामने खड़ी वो आई ऐसे करके इधर से चली गई तो यहाँ से शी क्रॉस्ड मी विदाउट ग्रीटिंग ये बोल रहा है शी क्रॉस्ड मी विदाउट ग्रीटिंग है ना पास से गुजर गई फैमिली गोज फैमिली जाती है फॉर अ पिलग्रिम पिलग्रिम इज तीर्थ यात्री होली प्लेस होता है जहां पर हम जाते हैं दैट इज कॉल्ड तीर्थ स्थान पिलग्रमेज है ना दट इज दिलग्रमेज तो एवरी ईयर द फैमिली गोज ऑन ही आएगा ना गोज गोज ऑन ट्रिप ही गोज ऑन अ सेमिनार uh, है ना ऐसे करके ऑन लगाते हैं जब कोई डेस्टिनेशन पार्टिकुलर नहीं होता गो टू ऑस्ट्रेलिया गो टू स्कूल गो टू कॉलेज ऐसे होता है ऑन ट्रिप ऑन इवन ऐसे करके हम पिलग्रिमेज टू ट्रिप ये लगाते हैं ऑन हॉलिडे ऐसे द पुलिस वॉज अक्यूज अक्यूज अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है दैट इज ऑफ She could not attend my brother's marriage in spite of her illness. अपने illness के बावजूद अब देखो के बावजूद होता है इसका मतलब अब ये प्रेपोजिशन ही है पर गलत प्रेपोजिशन का यूज यहाँ पर किया गया अपनी illness के बावजूद वो अपने वो मेरे ब्रदर की मैरिज नहीं अटेंड कर पाई तो यहाँ के बावजूद आएगा या बिकॉज ऑफ आएगा बिकॉज ऑफ जिसका मतलब होता है के कारण या फिर यहाँ पर आएगा इंस्टेड ऑफ के बजाय या फिर आएगा बट फॉर क्या मतलब होता है ओनली

द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज की तेलंगाना आर एम्प्लॉयड इन द ग्रेनाइट कंपनी कंपनी के लिए इन आया है या बाय द ग्रेनाइट कंपनी भी हो सकता है के द्वारा प्लीज गिव मी अलो ऑफ पोटाटोस टू किलोज ऑफ टोमेटोज एंड अ बं ऑफ एंड अ बं ऑफ कुरियंडर

एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनर्जी रिक्वायर्ड टू परम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में हमने करा हुआ है बहुत बार गोइंग के साथ होम आएगा या तो यानी गो के साथ या तो सीधे होम लगाओ या फिर गो टू His, her, my, home. ठीक है ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है या तो आप पोजेसिव लगाओ क्योंकि ये नाउन है है ना तो इसको एडजेक्टिव दो अगर ये आएगा तो ये अकेला एडवर्ब कहलाएगा फिर बीच में आप रिपोर्टन नहीं दोगे तो या तो आप गोइंग टू माय होम करो या फिर गोइंग होम करो ये वाला पार्ट में एरर होगा देर इज कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन यानी के बीच में होता है और हम दो के लिए लगाते हैं

सब के साथ एक ही प्रपोजिशन देता है जो होता है फ्रॉम और फ्रॉम के साथ जेरेंड आता है तो आप जेरेंड यहां पर लगाओगे ठीक है नेक्स्ट द रिक्रूटर्स वर प्लीज रिक्रूटर्स जो थे वो काफी खुश थे टू ज्वाइन डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी सॉरी ज्वाइन जॉन लिखा हुआ आई एम सॉरी रिक्रूटर्स जो थे वो काफी प्लीज थे विद प्लीज विद समबडी होता है ना डी होता है वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन अलॉन्ग विद आ सकता है या फिर इन दिस है यहाँ पर वो दस साल तक रह चुके हैं ड्यूरिंग ड्यूरेशन आ रहा है लार्ज हाउस हमें वास्तव में कोई बड़ा हाउस नहीं चाहिए आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट हम कुछ कंफर्ट ढूंढ रहे हैं एंड सम कन्वीनियंस और कुछ कन्वीनियंस ढूंढ रहे इन अ मॉडरेट प्राइस इन अडरेट प्राइस फिफ्टी तक करेंगे है ना विजिटर्स कंप्लेन 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 करना टू समबडी अगेंस्ट समबडी और कंप्लेन अबाउट समथिंग होता है ठीक है तो किसी चीज के बारे में कर रहे हो तो कंप्लेन अबाउट द पुअर अकोमोडेशन देर प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द टूअर कंप्लेन to somebody complain against somebody or complain about something ठीक है तो यहां पर अबाउट आएगा क्योंकि समथिंग लिखा हुआ है आगे एट द लास्ट मीटिंग विच टू प्लेस इन नवंबर हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट ठीक है प्रोटेस्ट में आ रहा, to protest. Protest करने के लिए, ऐसा किया लास्ट मीटिंग में फिक्स है मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इस उन, पास ऑन पास ऑन होती है एक दूसरे को देना पास ऑन इधर से उधर फ्रॉम वन जनरेशन फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट ऐसा होता है ना फ्रॉम वन टू फ्रॉम के साथ टू लगता है और नेक्स्ट आ रहा है इसके साथ हमेशा दू कौन सा नंबर होता है कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव में इनके साथ हमेशा फर्स्ट है है है, है, है. थर्ड तो समाप्त होते हैं और मैंने कहा था वन फिफ्टी करवाऊंगी तो फटाफट से हो गए ठीक है हाँ अच्छा लगा है सेशन बताइएगा पूरी प्रैक्टिस हमने प्रशन की प्रीवियस के साथ करी है जो जरूरी है जो आपको करनी चाहिए और Uh, एक मगर तो 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 अगर आता भी है तो एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए एक रिवीजन के लिए रेंडम क्वेश्चंस के साथ सारी हमने सीजल तो तक पहुंचे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी में अब आ, 150 वन फिफ्टी क्वेश्चन हो गए उसके बाद अभी हम नहीं करेंगे ठीक है चलिए